मेरा YouTube भी ले लिया, मेरा रूम भी, मेरा घर भी। आंचल को ना मैं स्कूटी चलानी सिखा रहा हूँ। जब मैं ट्यूशन पे जाती थी मैं इतने मोटे मोटे रजिस्टर लेके जाती थी। मैथ वाला सबूत मैं मिटाने लगी हूँ क्योंकि मम्मी जी बाहर बैठे हैं। कितने दिनों के बाद फाइनली हम पपीते के परांठे बनाने वाले हैं, तो मैंने इनको रात के बोलते थे कि सुबह हम पपीते के परांठे खा लें, तो ये बोलते हाँ ठीक है। तो मम्मा ने सुबह सुबह मेरे को पपीता काट के दे दिया और मैंने उनको खाने वाला पपीता दे दिया था। मेरा बहुत ज़्यादा पानी था, इतना निचोड़ा ना, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बचा, इसी वजह से शायद ये चिपक भी रहा है और बनने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन चलो आज परांठा डे है हमारा और देसी घी के परांठे बन रहे हैं, क्योंकि ये रिफाइंड नहीं यूज़ करते तो हम देसी घी के परांठे बना रहे हैं। मैंने इस रूम में चेंज ये किया कि मैंने दोनों चेयर्स उस साइड पे लगा दी हैं, और यहाँ पे ना ये वाला जो हमने एक क्या इन्होंने मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट किया था, इसको क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्ट नेम तो नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये जो फोटो लाइटनिंग लैम्प है ये मैंने यहाँ पे लगा दी क्योंकि ये ऐसे ही पड़ा था, तो मैंने सोचा इस रूम में लगा देते हैं। और साथ में ये छोटी सी, इसमें पता क्या है, इसमें आप कुछ भी मेडिसिन वगैरह रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं इसमें अंदर। यहाँ पे जो हमने टेबल मैट बिछाया था वो अभी मैं धोने के लिए रखती हूँ, फिर वापस से यहाँ पे लगा दूंगी। और अभी कमरा काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अभी मुझे करना है दीवान बेड को क्लीन। तो अभी मैंने दीवान बेड की पूरी बेडशीट चेंज कर दी है, वो धोने के लिए रखती है, और इस तरफ ये वाली पूरी एक ना, ये बेडशीट तो मुझे बहुत सुंदर लगती है, बस इसका कपड़ा जो है ना दूसरा है, क्या बोलते इसको, इसका कपड़ा कैसा होगा, थोड़ा अलग कपड़ा है, मतलब कॉटन का नहीं है इसलिए, बट ये बहुत ग्रेसफुल है, ये बेडशीट बहुत सुंदर लगती है। और वहाँ पर मैं अपनी आंचल को बिठा देती हूँ गर्मी में, आई होप इसको गर्मी इतनी ना लगती हो, बट फिर भी यहीं पे बैठेगी ये और अच्छा लगता है। यहाँ पे अभी कोई बैठता नहीं तो इसकी जैसे सेटिंग हो वैसे की वैसी रहती है। और मैं सोच रही हूँ कि जैसे कर्टन्स वहाँ पे लगाए ना वैसे सेम टू सेम यहाँ के लिए मंगवा लो, फिर बहुत ही अच्छा लगेगा जब भी। अब मैं आपको बताती हूँ पूरी घर की सेटिंग जो चेंज करने वाली हम सोच रहे हैं। जो ये ड्राइंग रूम है ये बिल्कुल भी ड्राइंग रूम की तरह अच्छा नहीं लगता, लेकिन गर्मियाँ हमने निकाल ली, अब क्या होगा, मैं इनसे रोज़ इसके बारे में ही बात कर रही हूँ। जो ये रूम है ना इसको चेंज करने वाला, ये बेड ही ना पूरा का पूरा उस रूम में जाएगा जहाँ पे इस टाइम सोफ़ा लगा है, वो सोफ़ा इस साइड को लगेगा क्योंकि एल है ना, इस साइड को या फिर ऐसे करके लगेगा, तो देखते हैं इस साइड को या इस साइड को वो सोफ़ा लगेगा, उसके साथ ही टेबल उसका। और जो इस साइड पे स्पेस बचेगी या तो वहाँ पे ये वाला दीवान बेड या फिर उसको एम्प्टी रखेंगे, और कुछ टाइम के बाद हम डाइनिंग टेबल ले लेंगे 4 सीटर वाला, तो वो इस साइड पे लगा देंगे। मतलब इस रूम की सेटिंग पूरी चेंज होने वाली है। हाँ ये एटलीस्ट क्लीन रहता है, लेकिन जो सेटिंग है ना घर की पूरी ऐसे है, मतलब उलट पुलट। मुझे लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ, अगर आप लोग भी एग्री करते तो प्लीज़ कमेंट करना कि वो ड्राइंग रूम की तरह अच्छा नहीं लगता, उसको हम मंदिर बना सकते हैं मंदिर के लिए रूम, और या फिर उसको चेंज करके ये वाला जो बेड है वहाँ पर चला जाए इन फ्यूचर, वहाँ पर एसी लगा के वो एक स्मॉल बेडरूम हो जाएगा किड्स के लिए हो सकता है। और जो सोफ़ा रूम है वो यही अच्छा लगेगा क्योंकि और कहीं सोफ़ा वो वाला इतना बड़ा लग नहीं सकता, हमारी मेजरमेंट सोफ़े की कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। और वैसे हमने सोचा था कि वो सोफ़ा अगर हम यहाँ पे भी लगाते तो अच्छा लगता, लेकिन उसका साइज़ काफ़ी बड़ा, अगर इस साइड को भी एल शेप में लगाएंगे तो कम से कम यहाँ तक आएगा, तो थोड़ा देखेंगे कुछ टाइम के बाद, मतलब इस मंथ के अंदर अंदर चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि हम अब प्रियदी के घर में चले जाएंगे, तो उसके बाद आके इस घर की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करेंगे। तो ये भी मेरे साथ एग्री है और आज मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, कितने दिनों के बाद मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। अभी इस रूम में मैंने वही बेडशीट पहनी थी, और किसी को कमेंट आया था कि ये जो झाड़ू जैसा पॉट है, मतलब ये इसमें से निकाल के कुछ और लगा दो, तो मैं कुछ और मंगवाऊँगी फिर मैं चेंज करती हूँ, उतनी देर के लिए यही ठीक है। और मुझे ना ऐसा लगता है कि कभी कभी ये सिंपल सा रूम बहुत सुंदर लगता है, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि वो जो एसी है ना हम उसको थोड़ा उस साइड पे कर देंगे ताकि यहाँ पे एक छोटा सा कुछ फ्रेम लगाएं और उस साइड पे वॉलपेपर। आप लोग सजेस्ट करना, मुझे अपने रूम का बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि किस तरीके से ये सुंदर लगेगा। तो बाकी इस साइड पे टीवी लगेगा इन फ्यूचर, दिवाली के आसपास सोच रहे लेने का। और मुझे करनी है रूम में थोड़ी लाइटनिंग, मतलब सिर्फ यही एक बल्ब है जिसकी वजह से रूम में इतनी प्रॉपर लाइट नहीं है, वो तो लैंप की वजह से भी हो गई, इस साइड पे या कहीं पे तो लगे, कुछ कनेक्शंस पूछूंगी इनसे। और इस तरफ चल रही है हमारी मशीन, 36 मिनट्स में हमारे कपड़े वॉश होके तैयार, और अभी के लिए मशीन सिर्फ स्टार्ट हुई, तो चलिए बाहर चलते हैं। सर बाहर देखे तो आज ना हमारा आटा जो था वो पूरा टोटली फिनिश था, तो आटे का ड्रम
और साथ में उसके अंदर का सारा सामान सूख भी चुका है, जैसे ही आ जाएगा फिर इसमें डाल देंगे हम। मैंने जिस लाइजोल की बात की थी ना, वो ये वाली है ब्लू कलर की, शक्ति की, शक्ति फ्लोर क्लीनर। इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है ना इसकी, सच्ची में पता लगता है कि रूम अच्छे से क्लीन हो गया। किचन भी मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है, अब बस वेड़ा रहता है वो करके, वेड़ा मतलब वरांडा रहता है वो करके, फिर फ्री हैं हम। क्या किया गौ माता ने एकदम से आके, सारे बाल्टी मैंने बाहर निकाले थे कि सारा डस्टबिन वगैरह निकालूंगी, मेरा काम बढ़ा दिया यार। डंडे नाल इधर चलेगी, जाओ 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 जाओ। अब जिस तरफ से भी देखो सारा एरिया क्लीन है। मैंने इसलिए भी कर दिया, फिर ना सुबह सुबह मम्मा कई बार सफाई कर देते हैं मेरे उठने से पहले। मम्मा कपड़े सुखा रहे हैं और आज मुझे घर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो रोज ही लगता है क्योंकि जब साफ करते हैं तो घर अच्छा लगता है। और ये देखो ऐसे काम करते हैं इनके। जो ना पूरा ये सिंक क्लीन करना है तो उससे पहले ये पूरी बॉटल मेरी खत्म हो चुकी है, तो इसको रिफिल करते हैं। काम करके मैं मम्मी जी को खुश करने जा रही थी, मतलब कि मम्मी के लिए चाय बनाने लगी थी, लेकिन सारी चाय मैंने जला दी। मतलब मैं कहाँ थी, मैं कहाँ खोई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रही। दूसरी बार चाय रखी है तो गैस ही खत्म, और मैं आराम से बैठी, मैंने कहा शायद होगी होगी, और ये तब की ऑन ही पड़ी और बंद थी। आज हो क्या रहा है यार, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरे से ऐसा कुछ होता है, सच्ची में बोल रही हूँ। सबूत मैं मिटाने लगी हूँ क्योंकि मम्मी जी बाहर बैठे हैं। हमने रेगुलेटर चेंज कर दिया, वो वाला खराब था, मतलब खराब हो चुका था तो पहले स्मेल रही थी ना उसमें से। हाँ शायद इसी वजह से आ रही होगी। लग गई नहीं, रेगुलेटर चेंज है, पाइप खराब होगी। अभी मैंने अपनी आईज में लगाया आईलाइनर, सॉरी आईलाइनर बोल रही हूँ, काजल। काजल मुझे वैसे लैक्मे का नहीं मिला जो मैं लगाती हूँ, लेकिन एक ना छोटा सा, इतना सा मैं दिखाती हूँ, ये वाला मुझे मिला। मतलब आई थिंक मम्मा ने, जब मैं मायके में थी तब मम्मा ने यहाँ पे रख दिया होगा, जो वो श्रृंगार वाला सामान आता ना उसमें से, सुहागी का सामान होता है, तो उसमें से रख दिया। अब मुझे यही मिला, मैंने यही लगा लिया और कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग कमेंट करना कि मुझे काजल जचता है कि नहीं। अभी इस टाइम मम्मा ऊपर है, आई थिंक वो अपना लंच कर रहे होंगे शायद, या कुछ खा रहे होंगे, या चाय पानी पी रही होंगी। मेरी तो चाय पहले वाली जल गई, दूसरी वाली तक गैस खत्म, और ये अभी सिलेंडर वगैरह ठीक करवाने गए हैं, वो भी ले गए हैं रेगुलेटर, कि क्या प्रॉब्लम आई है। तो अभी के लिए मैं अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ तो हमारा आटा नहीं है सच, वो करना का ही, मतलब हमारा रात का भी अभी तक कुछ नहीं बना, ना मैं अभी बना सकती हूँ, गैस सिलेंडर आता है उसके बाद देखते हैं। गुड इवनिंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बजे का, और मैं और आंचल जा रहे हैं सब्जी मंडी सब्जी लेने। और आंचल का ना काफ़ी दिन से मन था कि डोसा खाना है, कल भी हम लोग वहाँ पे निकल गए, हमने पाव भाजी खाई, लेकिन डोसा फिर भी नहीं मिला उसको, तो मैंने सोचा चलो आज इसको डोसा खिला करके लाते हैं और खुद भी थोड़ा सा डोसा खा लेंगे। शाम का टाइम है और हम ना थोड़ा मार्केट साइड जा रहे हैं, एक तो सब्जियाँ वगैरह लेके आएंगे क्योंकि आज मंडी भी लगी होगी, और साथ में आटा लेके आना है, मतलब 2-3 काम है जो आज हम निपटा के आएंगे। बोलेंगे आज स्कूटी मैं चलाऊंगी, देखते हैं इनके रिएक्शन क्या। एक दिन मैंने और मम्मी ने मिल करके ना ये वाली जगह साफ़ की थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी घास हो गया था, तो अब ये जगह पूरी साफ़ हो गई। और आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे ना हमने ये अमरूद लगाया था सिद्धू मूसेवाला जी की याद में, तो ये देखिए इसके ऊपर ना अमरूद आने शुरू हो गए, ब्लैक कलर के अमरूद है, मेरे को समझ नहीं आ रही किस तरह के अमरूद है, शायद ये इसी तरह की ब्रीड होगी, तो इस तरह के है ये, और ये भी लगे हुए हैं
ये भी लगे हुए हैं ना। मुझे काजल कितनी टाइम के बाद लगाया और कितना अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे काजल लगाना चाहिए। जब मैं आई लाइनर नहीं लगाती तो मुझे काजल लगाना चाहिए। स्कूटी निकाल के बाहर अंचल को ना मैं स्कूटी चलानी सिखा रहा हूँ, इसको आती नहीं है। बहुत ज्यादा अंजल घिया ले लेते हैं ना, अरबी लेनी है, अरबी घिया। और ये क्या है वो सामने, पंडोल, पंडोल बोलते हैं ना। खीरे भी है जैसी, खीरे तो घर पे पड़े ना। कद्दू के अंकल जी, कद्दू की है, करवानी अरबी? हाँ अरबी लेनी है। मम्मी कर देंगे ना। और क्या अभी हम लोग रुके हैं फ्रूट लेने के लिए। एप्पल इस सीजन का अच्छा होता है, मतलब कि फ्रूट में अगर देखा जाए तो एप्पल और पपीता इन दोनों में अच्छा होता है। बाकी नारियल वगैरह भी, सॉरी अनार वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन अंचल को एप्पल ज़्यादा अच्छा लगे। ये छोटा से छोटा मत ले। हाँ ले 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 ले, छोटा भी काम आ जाएगा। हाँ 2 किलो होंगे। या चॉकलेट भी ले ली, फ्रूट्स भी ले लिए, और अब ले रहे हम आटा। ये गए अंदर और मैं देख रही हूँ चक्की पीसिंग। देख रही हूँ कैसे पहले आटा डाल दिया, फिर वो जो सामने मशीन पड़ी है इस साइड पे, इसके साथ इसको पूरा सील कर देती है। सो गाइस आज मेरा साइकिल भी ले लिया इसने, सब कुछ चीन लिया। मेरा यूट्यूब भी ले लिया, मेरा रूम भी, मेरा घर भी। मेरा साइकिल भी ले लिया आज। जब इसको उस साइड पे लेके जा रही हूं ये अपने आप ही चलता रहता है। हां उस साइड उतरा ही है ना। चंगा फिर आप चलते हैं। चंगा जी। गुड मॉर्निंग गाइस, जरा आसमान की तरफ ध्यान तो डालिए, कितना प्यारा मौसम है। और उस तरफ बादल बन चुके, उस तरफ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे रोज ही बारिश होती होगी ना, उस तरफ मानसून सीजन चल रहा है असली में। और मैं क्या लेने आई थी, हाँ मैं प्याज लेने आई थी। 1 किलो प्याज करना आप पे ले लो मैडम जी, आ टोकरी च पा लो। ठीक है जी, चंगे चंगे पायो। इतने खुश है ना बच्चे, कैसे रेडी होके स्कूल गए हैं। आज बनेगी तोरी की सब्जी, साथ में प्याज काटते हैं, फिर ये फटाफट से बन जाएगी। ये तो बहुत जल्दी बनती है। और साथ में आटा गूंथते हैं और रोटी बनाते हैं। सुबह का तो कल हम आटा लेके आए थे आटा चक्की से, लेकिन मेरे को लगा था कि वो जो बोरी में नहीं होता वो वाला आटा लेंगे, लेकिन ये बोलते कि ये ज़्यादा बेटर होता है। आप लोग कमेंट करना कि ये ज़्यादा बेटर होता है। इन्होंने बोला कि ये ज़्यादा अच्छा होता है उससे ज़्यादा। खुद लिखा है कि ये इनके परिवार के लिए है। नहीं नहीं तू खा ले, मैं नहीं खाया। आ गए क्यों झूठे। ये भी है इसका वॉलीबॉल, ए दूजी बॉल है, ये गेंद ए बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल है। उसके बाद आ जड़ी गोल होगी। कॉलेज में ना मैं ऐसे पैकेट्स वगैरह बहुत सारे लेके गया, ऐसे अलग अलग। ये लाइट वेट में है क्या? ये ले जा जमाड़ी मेरा। ये भाई ये पेंस लेती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था ऐसे, ये वाले हो गए सॉरी, इसकी शेप जैसे पतली वाली है ऐसे। बहुत अलग अलग पेन यूज़ किए बहुत ज़्यादा। यहाँ पे रोलेक्स के पेन, मैंने इतनी तरह तरह के पेन यूज़ किए, बहुत महंगे महंगे, बहुत अलग अलग। उसके बाद मैं ऐसे स्टेशनरी शॉप पे आई हूँ, तो मैं अब देख रही हूँ इतनी ज़्यादा, कितनी खुश हो रही हूँ ऐसी चीज़ें देख के। ऐसे स्केच पेन्स मैं लेके आती थी, यही होता था ज़्यादातर मेरा पैकेट। सुनो एक कॉपी ये वाली ले जाएं, एक और दो। हाँ ये ठीक है ना। हाँ यार मुझे पूरा अपना टाइम याद आ रहा है, जब मैं ट्यूशन से जाती थी मैं इतने मोटे मोटे रजिस्टर लेके जाती थी, मैथ की कॉपी अलग, साइंस की अलग। देखो यहाँ पे कितने लोग अपने बच्चों के लिए सामान लेने आए ना, किताबें कॉपी वगैरह। ऐसा इसको देख के लग रहा है ऐसे इसमें, जब तेरा बर्थडे था ना तब मैंने यहाँ से लिया था सामान पैकिंग के लिए। ये देखो ऐसे वाले में कितनी सारी फाइल्स बनाती, सब वो चीजें याद आ रही कॉलेज टाइम स्कूल। और ये हमने एक बुक ली है, कैदा बोलते हैं इसको, कैदा।
गुड मॉर्निंग गाइस, आंचल ने गुड मॉर्निंग तो आपको कर दी होगी। और देखो बोरा उठा करके पीछे बैठी है शहर की लड़की, इसको शर्म आ रही होगी कि पूरी मार्केट में इसको ऐसे बोरा पकड़ा के मैंने बिठा रखा है, लेकिन लेकिन इसको पता है कि इसके अंदर क्या है और इस चीज़ की क्या वैल्यू है इसकी लाइफ में, सबकी लाइफ में, विद्या पढ़ाई है ना। आज हैप्पी टीचर्स डे, इसलिए 5 सितंबर आज टीचर्स डे है, और आज हम टीचर्स डे के दिन प्रिया दीदी की तरफ से बच्चों को कुछ सम्मान देने जा रहे हैं। इसमें ज़्यादा सम्मान हुआ एक्टिविटी वाला, जैसे फुटबॉल हुआ और बैट बॉल, बैडमिंटन, ये चीज़ें ताकि बच्चे थोड़ा एक्टिव रहे। हाँ, वो हम टीचर्स को ऐसे ही दे देंगे ताकि जिस बच्चे को ज़रूरत हो तो उनको वो निकाल के दे दें ना, बच्चों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, टीचर्स के पास दे देंगे। कई बार बच्चों के पास नहीं होती ना तो फिर वो बोलते हैं कि कॉपी नहीं आपके पास, तो फिर मैम निकाल के बच्चों को दे देते हैं। और अभी हमने एक मुश्किल भरा रास्ता क्रॉस किया, अभी हमने एक टास्क क्लियर किया ये रास्ता, लेकिन ये रास्ता हमें अच्छा लगा। आंचल अंदर बता कैसी ठंडक थी, जितनी बाहर गर्मी थी ना अंदर इतना सुकून मिला, इतना ठंडा, यहाँ तक हवा आ रही थी एसी के जैसे थे ना। हमने ना बच्चे खेल रहे उनको पहले ये दिया था ना, ऐसे दिया था ना, बाकी का सामान लेके चलते पानी पीने। ठीक है, इसमें ना आंचल एक दो सामान मेरा है, इसमें एक टेप होएगी, दो टेप रोल है ना, और एक कैरा होगा पहाड़े। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने सामान क्यों लिया। आज है 5th of September, मतलब टीचर्स डे है, तो हमें ना प्रिया दी का फोन आया था, हमने बोला था कि हमारी तरफ से, मतलब उन्होंने कुछ पैसे दिए हमें, तो ये सारा सामान लिया ना जो कि बच्चों के एक्टिविटीज के रिलेटेड हो। तो हमने एक्टिविटीज रिलेटेड हमने दो ये रैकेट लिए, दो जोड़ी है ये, चार रैकेट है ये, एक ये दो पेयर, एक ये और एक ये, इसके शटल, ये सारे, इस पूरे पूरा पैक है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये सारा सामान है स्कूल में टीचर्स को पकड़ा देंगे, वो अपने अकॉर्डिंग जिस टाइम उनका प्ले टाइम होगा तब देंगे। हाँ, अभी बच्चे बाहर बैठे थे ना तो मैंने उनको फुटबॉल दे दी, बच्चे बहुत खुश हुए देख के, कहते फुटबॉल, और ये बैट बॉल की किट है, ये विकेट है साथ में, बॉल है और ये बैट है और उसका स्टैंड है, ठीक है, ये भी हम उनको उनके पास दे देंगे, क्योंकि प्राइमरी के बच्चे हैं तो इसी से खेलते हैं। अगर जब जरूरत होगी ना कि बड़े हो जाएंगे कि दूसरे बैट की, लकड़ी वाले बैट की जरूरत होगी, तो फिर वो लेके देंगे। और ये एक्स्ट्रा बॉल्स, एक्स्ट्रा बॉल्स ताकि गुम हो जाए तो फिर उनको फिर से दरअसल मिल जाए। हाँ, और ये कॉपीज वगैरह इसमें क्या क्या है ये दिखा देना। और जिस जगह से हमने सामान लिया ना वो दुकान पर बहुत सारी वैरायटी है, हम तसल्ली से उसमें देख सकते हैं। ये लिए है मम्मी के लिए, इसमें हम डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं मम्मी के, और ये लेजर है खाता बुक, इसमें मैं अपना हिसाब किताब रखने के लिए, पहले वाले लेजर मेरी भर चुकी है तो ये मैंने इसके लिए ली, ये भी अपने लिए, ये कैदा है, इसमें अनार, ABC वगैरह ये सारा कुछ है, ये हमने बचपन पढ़ा है तो मैंने इसका एक ले लेते हैं। और इसमें ये दो टेप रोल है, ये दो इलेक्ट्रिकल वाली, ये हाँ ये मेरी, तो इसमें कॉपीज है, इसमें बाकी सारा सामान बच्चों का है ना। 35 कॉपीज, हमने पेन के सेट लिए छोटे बच्चों, पेंसिल है ये, पेंसिल्स और पेंसिल, चार पीस पेंसिल के है और चार पीस, चार पैकेट पेन के है, और ये क्रेयॉन्स भी है, इसमें इरेजर्स है, शॉर्पनर है, जो बच्चे के बेसिक नीड्स का सामान है, मैम जिस बच्चे के पास नहीं होगा उसको दे सकते हैं और वैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और भी कुछ लिया था, स्केच पेन ना मेरा बहुत ज्यादा शौक चढ़ा हुआ था कि मैं ये लेके आऊंगी, अगर मैम को किसी भी बच्चे को देना हो तो दे सकते हैं एज अ, मतलब स्टार्टिंग ड्राइंग करवाने के लिए ना। चले अब देखे सामान सारा ना। हाँ चलते हैं ना, इसको रखते साइड में, बस बाकी सामान ले चलते हैं, स्कूटी भी चलते हैं, इसको गाड़ लगा लेना, ये आगे रख लेंगे, बाकी सामान पीछे रख लेना। हाँ दिन मिलना, पहले मैं अंदर रहना सर को, ठीक है सर, दिन में तुम ठीक है, फुटबॉल खेलो, तुम दोनों उठा ले दो बच्चों। हाँ सब खेलो, ये भी मिलेगा आपको थोड़ी देर में मिल जाता, ठीक है जाओ खेलो उतनी देर, बैडमिंटन खेल लो। बच्चे अलग अलग मस्ती कर रहे हैं, सब अपने अपने में मस्त है। तो अब हो चुकी है रात, करते हैं एसी को बंद, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम सब यहीं पे बैठे थे, और अब मैंने पूरा ये रूम फिर से क्लीन कर दिया, सुबह फिर यहीं पे बैठना था, सुबह एटलीस्ट क्लीन हो, सारे बर्तन और गैस क्लीन कर दिए, बर्तन भी हो चुके हैं, हमारी पूरी किचन क्लीन है, और थोड़ी देर में आके मैं बादाम और चने भिगो दूंगी, और किचन को भी करते हैं। पर मैं थोड़ी देर में अब साइकिलिंग करने जाऊंगी, ये अभी गए हैं थोड़ा सा घूम फिर के, पहले ये आते हैं फिर ये यहाँ पे सैर करते हैं, और मैं आती देर में चक्कर लगा लेती हूँ यहाँ पे। और दूसरी बात, अभी मैं 2-3 कमेंट्स रीड करके इस व्लॉग को एंड करने वाली हूँ, सबके कमेंट्स नहीं रीड हो पाते, नहीं तो पूरा व्लॉग उसी चीज़ में बन जाएगा, लेकिन मैं एक दिन ट्राई करूँगी, मैं सबके कमेंट्स रीड करूँगी, वो कमेंट्स वाला ही व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए एक दो कमेंट्स जो स्पेशल कमेंट्स जो बच्चे के रिलेटेड होते हैं मैं वो कर देती हूँ। पहला कमेंट रीड करते हैं, पहला कमेंट है हरप्रीत कौर मैम का, उन्होंने लिखा है, उन्होंने नहीं लिखा, आई थिंक उनके बच्चों ने लिखा है, हाई आई एम अर्श एंड सहज, वी आर ब्रदर्स एंड लव टू वॉच योर वीडियो विद आर मॉम, कीप स्माइलिंग, थैंक यू। मेरा कमेंट है तुन्नू मुन्नू आईडी से,
हेलो भाभी जी, मेरा बेटा भी आपकी वीडियो देखता है और मेरे से ज़्यादा वेट करता है। उनका नाम है, जो उनके बेटे का, उनका नाम है गुरवेद सैनी और वो 7 साल का है और वो हुशियारपुर से। हाय मैम, हाय गुरवेद। नेक्स्ट कमेंट है बेबॉय आईडी से, आंसर प्लीज़ मेरी बेटी का नाम लेना। निश्ता नाम है उसका और वो जम्मू से है, उसको मैं बहुत पसंद हूँ, 8 ईयर्स की है। हाय निशू। डिंपल कुमारी नाम से है, मैं भी आपका रोज़ वीडियो देखती हूँ, सुबह उठने से पहले फ़ोन चेक करती हूँ कि आपका वीडियो आया कि नहीं। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूँ, जिनको मेरा वैसे तो पता लग गया होगा रूटीन, हमारा वीडियो सुबह 10:30-11:30 तक ऑलमोस्ट आ जाता है, तो हमारा टाइमिंग यही है। बाकी मुझे यही है कि आपको वेट करवाने की ज़रूरत ना पड़े, हम उससे पहले पहले आपको वीडियो दे दें। नेक्स्ट कमेंट है शैली रानी आईडी से, वहाँ पे लिखा है आंचल आप बहुत सुंदर लग रही हो और जिस जगह पे आप गए थे वो बहुत सुंदर थे। और ये मैम शायद लुधियाना से हैं, उनके रोज़ वहाँ पे बारिश हो रही है और उनके बेटे का नाम पीयूष है, पीयूष मेरे भाई का नाम भी, और मुझे ये नाम सुन के बहुत खुशी हुई। हम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे, इतने सारे बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, आए रब्बा, सो क्यूट यार सच्ची में। जब बच्चे आपको पसंद करते ना, फिर आप मतलब सारी दुनिया जीत गए हो, जब अपने बच्चों का दिल जीत दिया। और सोनम शर्मा नाम से आईडी से है, हेलो आंचल यू आर सो स्वीट, आप मेरे बेटे का नाम भी लेना, वो भी आपकी वीडियो देखता है, उसका नाम अर्नव जोशी है। हाय अर्नव, कैसे हो आप? हमें अपनी बिजी लाइफ से इतना टाइम तो निकालना चाहिए कि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कमेंट्स हम रीड करें, क्योंकि उनकी खुशी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वो इतने खुश हुए। मुझे एक मैसेज आया बलविंदर कौर आईडी से, लवली आंचल आज तो दिल ही खुश हो गया, तुसी मेरा और मेरी बेटी का नाम लिया, मेरी बेटी बहुत खुश सी, आज उन्हें मैनू हग की, आप दोनों एक दूसरे हग कर रहे थे, थानू इधर लगा आप आंचल हग कर रहे हैं। और ये मैम का कमेंट था बेल्जियम से, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, इतना सारा प्यार देते हो ना आप लोग, दिल खुश हो जाता है सच्ची में। और इतना टाइम तो हम निकाल ही सकते कि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स हम रीड कर पाए, और उसमें बच्चे देखते हैं तो बच्चों का जब हम नाम लेते हैं ना तब उनको भी बहुत खुशी होती है, और ये मुझे ये कमेंट पढ़ के पता लग गया। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर किसी के कमेंट छूट गया तो नेक्स्ट वीडियो में बोलना और एज भी साथ में बता दिया करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेम लूँगी। बाय बाय।